आ जाओ भाई, आपका स्वागत है। ये 2012 का राजस्थान फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का पेपर है, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है, उससे आगे मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 29 से। और क्वेश्चन नंबर 29 इजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैक्जेटिव। इसमें लैक्जेटिव कौन सी ड्रग है, तो इसका आंसर बहुत इजी, ईसबगोल। तो ईसबगोल, ईसबगोल, इंडियन साइलम, इसके कई नाम हैं। तो ईसबगोल जो है ये लैक्जेटिव है, और यदि कहें तो आप इसको ये बोल सकते हो इट इज़ ए बल्क, क्या है, लैक्जेटिव। ये बल्क लैक्जेटिव है, कहने का मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है, और यदि खाने के अंदर हमारे फाइबर का इंटेक कम हो तो जो फीकल मटेरियल है उसका वॉल्यूम कम होता है, और इससे इंटेस्टाइन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी और ये यहीं रखा रहेगा और कॉन्स्टिपेशन रहेगा। जैसे ही हम पेशेंट को ईसबगोल खिलाएंगे तो ईसबगोल के अंदर म्यूसिलेज होती हैं, जो क्या है, पानी के कॉन्टेक्ट में आके स्वेल होता है, फूलता है, और फूलता इसलिए क्या है, इसका बल्क या वॉल्यूम क्या बढ़ जाता है, और जैसे ही इसका बल्क बढ़ेगा ईसबगोल लेने के बाद, तो इंटेस्टाइन की वाल के ऊपर ऐसे खिंचाव आएगा, स्ट्रेचिंग होगी, और जैसे ही वाल के ऊपर स्ट्रेचिंग होगी तो ये वाल रिफ्लेक्सली कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये मूवमेंट क्या है, बढ़ जाएगा, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाएंगे, और ये फीकल मैटर इंटेस्टाइन से बाहर। इसलिए ईसबगोल जो है ये क्या है, बल्क लैक्जेटिव है, और ये स्वेल होके काम करता है, बल्किंग एजेंट के तौर पे ये काम करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि विच इज ओड अमंग ऑल, ओड का मतलब इनमें से अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। तो देखो जो ऑप्शन दिए, पपाया, पपाया एंजाइम होता है, ये आपके पपीता में होता है, डाइस्टेस, और डाइस्टेस एंजाइम कहाँ, ये सलाइवा के अंदर होता है, ये सलाइवा में, और ईस्ट जो है ये भी एक लिविंग सिस्टम है, और ईस्ट जो है वो अल्कोहल प्रोडक्शन के काम में भी ली जाती हैं। यदि आपको याद हो सैक्रोमाइसिस सीबीसीआई, ये जो ईस्ट है इसको इथाइल अल्कोहल प्रोडक्शन के काम में लेते हैं, और यहाँ सिनकोना, सिनकोना जो है इसका बार्क है, और ये ड्रग जो है इनमें अलग है। हालांकि मैं ये कहूँगा इसका आंसर डी ही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब सही नहीं है, क्योंकि पपाया मैंने कहा ये एंजाइम है, डाइस्टेस एंजाइम है, लेकिन ईस्ट जो है ये क्या है, एक फंगस होती है, फंगस का टाइप है, तो ये इन्होंने थोड़ा सा सही नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जैसा कि क्वेश्चन है, और आपको हमेशा याद रखना है जिस भी तरह का क्वेश्चन आए उसके जो ऑप्शंस आए उसके हिसाब से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, चाहे वो क्वेश्चन पूरी तरह से दुरुस्त ना हो, सही ना हो। तो ये पूरी तरह से 100% सही क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर सिनकोना जो है यही जाएगा, क्योंकि ये अलग टाइप की ड्रग होगी। इसके बाद में नेक्स्ट है, दैट इज़ विनका। विनका इज यूज्ड, तो विनका इसका दूसरा नाम आपको पता होगा, प्लांट ड्रग है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पेरी विंकल, इसको पेरी विंकल के नाम से भी जानते हैं। तो विंका, ये क्वेश्चन आता है, पेरी विंकल इज ए कॉमन नेम ऑफ, तो जो विंका है इसी का दूसरा पेरी विंकल, विंका पेरी विंकल, फीलिंग आ रही है ना। और ये विंका, इसमें विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन ड्रग मिलती हैं, और विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन किस में काम आती हैं, एंटी कैंसर जो है वो होती हैं, याद रखना है। तो विंका इसमें ड्रग है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, और विंका का दूसरा नाम क्या है, पेरी विंकल, और ये एंटी कैंसर प्लांट ड्रग होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर लेते हैं 32। 32 देखो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी है, ये कह रहा बीटर वैल्यू, बीटर वैल्यू शो, कोई भी चीज़ की कड़वी जो वैल्यू है, बीटर वैल्यू शो, स्पेस दिया है, ऑफ एन एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ 1 ग्राम विथ हिज जूस बीटर टेस्ट,
विच हैज जस्ट बीटर टेस्ट, तो ये क्या है, इसमें आएगा लार्जेस्ट डाइल्यूशन। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ बीटर है तो आप उसको कैसे कहेंगे। तो मान लीजिए मैं कहूँ कि मान लीजिए कोई बीटर सब्सटेंस है और उसका इवेल्यूशन करना है, थोड़ा समझें, बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, लेकिन लैंग्वेज से थोड़ा सा टफ लगता है कि जैसे मैंने एक ग्राम ड्रग इसमें ली और एक ग्राम ड्रग लेने के बाद में मैं इसके अंदर पानी डालता हूँ, इसको डाइल्यूट करता हूँ, मैंने इतना पानी डाल दिया और ये क्या है, हो सकता बहुत कड़वी हो, तो मैंने इतना पानी डाल दिया, हो सकता पानी और डालूँगा तो इसका कड़वाहट क्या है कम होगा, और पानी डालूँगा तो इसका कड़वाहट क्या है और कम होगा, और यदि ज़्यादा ऐड कर दूँगा तो फिर कड़वाहट क्या है गायब ही हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मैं इसका एग्जांपल आपको अल्कोहल के टेस्ट से दे सकता हूँ, और अल्कोहल जो है वो एक बीटर सब्सटेंस है या उसका जो भी टेस्ट है, और इतना सा अल्कोहल आपने डाला, इसमें इतना पानी डाला, तो इसकी बीटरनेस या इसका टेस्ट क्या कम होगा, और पानी डालेंगे टेस्ट और कम होगा, और फिर मैं कहूँ और ऐड करेंगे तो ऐसे करके, और यदि ज़्यादा ऐड कर दिया तो इसका टेस्ट बिल्कुल गायब ही हो जाएगा, इसलिए हम क्या कहेंगे ग्रेटेस्ट डाइल्यूशन। एक ग्रेटेस्ट डाइल्यूशन जिसके अंदर, यानी एक ग्राम आपने ड्रग ली और उसमें आपने पानी ऐड किया और उसको डाइल्यूट कर दिया, और इतना डाइल्यूट कर दिया कि इसका टेस्ट क्या है जस्ट बीटर है, तो ये उसकी बीटर वैल्यू होती है, तो इसमें लार्जेस्ट डाइल्यूशन आएगा। और कोई भी ड्रग जो है इसका बीटर टेस्ट जो है वो कितनी बीटर है, इसका कंपेरिजन किससे होता है, तो याद रखना किससे कंपेरिजन होता है, क्यूनिन। किससे कंपेरिजन होगा, क्यूनिन। तो क्यूनिन जो है इसको हम क्या है बीटर जो हैं ड्रग उनका स्टैंडर्ड मानते हैं। तो कोई पूछे कि बीटरनेस का स्टैंडर्ड क्या है, तो क्यूनिन जो है वो एंटी मलेरियल ड्रग है। कई बार आपने टीचर को कहते सुना होगा, कई बार टीचर स्टूडेंट को क्लास में डांटता है तो बोलता है मेरी बात आपको, फार्मेसी के टीचर की बात कर रहा हूँ, मेरी बात आपको क्यूनिन जैसी लग रही होगी, तो क्यूनिन जैसी कड़वी लग रही होगी, उसका कहने का मतलब ये है। तो क्यूनिन जो बीटर ड्रग है उनका इंटरनल स्टैंडर्ड है, रेफरेंस है, और कोई भी क्यूनिन का जो ग्रेटेस्ट डाइल्यूशन बोल दीजिए वो कितना बीटर है, और ड्रग का ग्रेटेस्ट डाइल्यूशन कितना बीटर है, इसके हिसाब से ड्रग की बीटरनेस जो है उसकी ग्रेडिंग जो है वो होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 में आइए। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखी है, देख के लगता है ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसी फीलिंग आती है हमारे अंदर, लेकिन वो गलत फीलिंग है। तो बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन हार्ड हो सकता है। देखो विच वन आर करेक्ट, यानी कौन सा सही है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आपको ए बी सी डी दिए हैं इनमें से, कंसर्निंग विथ ओपियम, यानी ओपियम जो है उनके रिगार्डिंग कौन सी चीज़ सही है। तो आपको बता दूँ ओपियम जो है एक प्लांट है जिसका नाम है पोपी, पोपी पोपी बोल सकते हैं यदि याद करने के लिए, पोपी प्लांट, और या इसका पूरा नाम होता पेपावर सोमनीफेरम, मैं पोपी बोल रहा हूँ, और ये मान लीजिए पोपी प्लांट है, और पोपी प्लांट ग्रो करता है, तो यहाँ इसके ऊपर जैसे शिमला मिर्च होती ऐसा एक ग्रीन कलर का कैप्सूल बनता है, गोल शिमला मिर्च जैसा, और ये कैप्सूल जब कच्चा होता है तो जो किसान है जो पोपी की आप खेती करते हैं वो इसके अंदर ऐसे लंबे लंबे कट लगाता है, चाकू से इसको काटता है, कटिंग करता है, और कटिंग कट लगा के छोड़ देते हैं, और कट लगते ही पता है इससे दूध बाहर आता है लेटेक्स, और वो दूध इतना ही होता है, उतना ही लेटेक्स होता है कि वो इस कैप्सूल के ऊपर ही जम जाता है और काला भी पड़ जाता है। फिर किसान इसको दो चार दिन बाद में खरोंच करके चाकू से रगड़ के इसको हटा के इकट्ठा कर लेते हैं, और ये बिल्कुल काला सोना होता है, और इसकी कीमत होती है दो नंबर में, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, सरकारी रेट भी ज़्यादा है। तो अब ये मैंने आपको थ्योरी बताई है, अब इसी थ्योरी से आपका क्वेश्चन जो है वो होगा, और घूम फिर के क्वेश्चन कई बार आता है, इसका आंसर है ए। देखो ओपियम इज ए ड्राइड लेटेक्स, ये पूछ लेते हैं कि कौन सी ड्रग ड्राइड लेटेक्स से आती है, तो मैंने कहा था ये कैप्सूल, और कैप्सूल में कट लगाएंगे इससे दूध आएगा लेटेक्स, और वो ड्राई हो जाएगा, तो इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम लेटेक्स, ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेंड बाई इनसीजन, इनसीजन का मतलब क्या, कट लगाए, इसको इनसीजन बोलते हैं, फ्रॉम अनराइप कैप्सूल, ये कैप्सूल कैसा था, कच्चा, अनराइप कैप्सूल ऑफ दी ओपियम पोपी। तो ये
पॉपी प्लांट है, इसका जो अनराइप कच्चा कैप्सूल है इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है। इसमें कट लगाएंगे और जो लेटेक्स है उससे हम ओपियम को क्या करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं। और ओपियम चूंकि लेटेक्स है इसलिए कैसी ड्रग हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड ओपियम कैसी ड्रग होती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि ये कोई ऑर्गन नहीं प्लांट का, क्योंकि प्लांट का लेटेक्स है अनऑर्गेनाइज्ड। जैसे मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं और किसी का भी मिल्क हो तो मिल्क कोई ऑर्गन नहीं है ना, क्योंकि वो तो एक फ्लूड है, तो ऐसे ही लेटेक्स भी क्या एक फ्लूड है, प्लांट का कोई पार्ट नहीं है, ऑर्गन नहीं है। तो दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड प्लांट ड्रग जो है वो ओपियम होते। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ड्रग या प्लांट ड्रग इज ए कार्बोनेटिव। कार्बोनेटिव का मतलब होता है जो पेट्स के अंदर जो गैस होती हैं और गैस को भगाने वाली जो ड्रग है, जैसे हींग, हींग को बोलते हैं ऐसा फोएटिडा, कार्बोनेटिव है। कार्बोनेटिव का नाम आते ही सबसे पहले हींग का नाम आता है, आपको पता है पेट में गैस होती है तो हम हींग खाते हैं, तो ये गैस को बाहर निकालने वाली, हमारे स्टमक से गैस का इविकेशन करने वाली ड्रग क्या है, कार्बोनेटिव। और जो ऑप्शन दिए हैं इसमें कार्बोनेटिव कौन है, तो देखो थोड़ा पूरा स्पेलिंग भी आपको ये नहीं आए, तो इसमें फेनल है। फेनल किसको बोलते हैं, सौंफ को बोलते हैं, और फेनल का सोर्स है फोइलिकुलाई, और फेनल के कई सोर्स होते हैं क्योंकि कई वेराइटी हैं, आप भी देखते हो छोटी आती है बड़ी आती है, तो नाम से ये फेनल कार्बोनेटिव होता है। आंसर क्या है इसका, डी। तो इस तरह से तो जरूरी कि फेनल का सोर्स जो आपने याद कर रखा है फोइलिकुलम वल्गेरिकस वही हो, क्योंकि इसकी वेराइटी, लेकिन फोइलिकुलम तो फोइलिकुलाई, इससे आपको आइडिया लग जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर क्या है 36, आइए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाबिनोइड इज नारकोटिक। तो देखिए एक प्लांट है जिसका नाम है कैनाबिस, और कैनाबिस जो प्लांट है उसको इंडियन हिम्प भी बोलते हैं। कैनाबिस जो है उसको हिम्प, या क्योंकि इंडिया में होता है इंडियन हिम्प बोलते हैं। और इस कैनाबिस के अंदर जो नारकोटिक सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है, उसका नाम होता है THC। इसका नाम है टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल। तो इसका आंसर है बी। हालांकि इसके अंदर कैनाबिनोल भी होता है, कैनाबिडाइओल भी होता है, होने को कैनाबिनोल भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि इसने एक पूछा, मैंने कहा ना विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाबिनोइड इज नारकोटिक, तो सबसे ज़्यादा नारकोटिक कौन है, तो THC। और ये आपका NDPS एक्ट है, नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट में ये THC क्या है, शामिल है। तो नारकोटिक कैनाबिनोइड कौन सा है, THC। तो ये आंसर क्या है, ये बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आइए 36 की बात करें। 36 में है कोकेन। कोका जो है, कोका की लीफ होती हैं। कोकेन कहाँ से आती है, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखो कोका COCCA कोका, कोका लीफ जो है उससे आती है कोकेन। और कोकेन जो है इस ड्रग का लोग नशा करते हैं, ये नारकोटिक ड्रग में आती है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके यूज़ के ऊपर बैन कर रखा है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, कोकेन इज यूज्ड एज ए इन द ऑफिशियल मेडिसिन। ऑफिशियल मेडिसिन के अंदर कोकेन क्योंकि नारकोटिक है और जनता इसका नशे में काम में ले सकती है, और जो लोग भी कोकेन का नशा करते हैं उनके मसूड़े और उनकी जीभ काली पड़ जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है कोकेन का अब्यूज़र और नशाखोर कौन है। लेकिन ऑफिशियली इस ड्रग को गवर्नमेंट ने किसमें परमिट कर रखी है, एज ए लोकल एनास्थेटिक। और स्पेशली किसी की आंखों के अंदर कोई एनास्थेसिया देना है, और आंखों का मतलब क्या है, ओक्यूलर OCU, क्योंकि ओक्यूलर का मतलब आई से रिलेटेड है, तो ओक्यूलर एनास्थेटिक के तौर पे इस ड्रग को हम काम में लेते हैं। ये ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इसको परमिट कर रखा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, अपने नॉलेज को अप्लाई करना है, जो अलग अलग सब्जेक्ट का नॉलेज मिलके एक साथ काम करता है, फिर आपका आंसर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 37, और इस पेपर में मैं देख रहा हूँ कि कई सारे क्वेश्चन हैं जो 100% परफेक्ट नहीं है, गलतियाँ हैं उनमें, लेकिन चूँकि आपको या उसको उस तरह से नहीं पूछना चाहिए ये कह सकता हूँ, लेकिन आपको जैसा सिचुएशन है उसको फेस करना है, और वो सबके लिए एक जैसी होती है, आपके लिए भी सेम है, दूसरे स्टूडेंट के लिए सेम है। तो
तो इसलिए आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। देखो पीलोकार्पाइन इज द एल्कलॉइड, हमें पता है प्लांट है पीलोकार्पस जबरोंडी, उससे आता है। तो देखो लिखा भी इसने पीलोकार्पाइन ऑफ एल्कलॉइड ऑफ जबरोंडी फोलियम। अब देखो मैंने कहा जबरोंडी और इसके कई वेराइटी होती, इसने फोलियम वेराइटी लिखी है, कोई दिक्कत नहीं। तो पीलोकार्पाइन एक एल्कलॉइड है हमें पता है, और इसमें इमिडाजोल रिंग होती है, इमिडाजोल एल्कलॉइड है, हैज़ इसका क्या एक्शन आता है? तो बेसिकली तो देखो क्या एक्शन आता है बताऊँ कि हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसीटाइल कोलिन, और एसीटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं एम और एन, इन दोनों पे काम करती है। और ये जो पीलोकार्पाइन है ये बाहर से काम लेती है, पीलोकार्पाइन ये जो एम रिसेप्टर हैं इनको एक्टिवेट करती है। यानी मैं ये कहूँ कि पीलोकार्पाइन मस्करनिक, एम का मतलब क्या है, मस्करनिक एगोनिस्ट है। लेकिन इसने बंदे ने जिसने पेपर बनाया उसने ये चीज़ दी नहीं है ना। तो एसीटाइल कोलिन मैंने आपको बताया कि एम मस्करनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करती है, ये तो हमारी बॉडी के अंदर की बात हो रही है। और जो आपकी पीलोकार्पाइन है ये इन एम रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, तो मैं कहूँगा ये मस्करनिक एगोनिस्ट है। लेकिन अगले ने ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिया नहीं है, तो फिर मेरे को थोड़ी एक चीज़ और बतानी पड़ेगी। एसीटाइल कोलिन एम रिसेप्टर पे काम करती है, और जो ड्रग एम रिसेप्टर पे काम करेंगी और एसीटाइल कोलिन जैसा ही एक्शन देंगी, क्योंकि चर्चा एम की हुई है इसलिए बात कर रहा हूँ, या एन को पर भी एक्टिवेट करेंगे, उनको हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बोलेंगे, और पीलोकार्पाइन कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। अब मैं बात करूँ कोई ऐसी ड्रग जो इस एम रिसेप्टर को ब्लॉक करे, वो एंटी मस्करनिक है, क्योंकि मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करिए एंटी मस्करनिक है, या मैं कहूँगा वो एंटी कोलिनर्जिक है, और ऐसा काम इस रिसेप्टर को, इस एम रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम कौन करती है? तो मैं आपको बताऊँ ये काम करती है एट्रोपिन, एट्रोपिन ऐसा करती है। तो एट्रोपिन ड्रग और एट्रोपिन एम रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, यानी एंटी मस्करनिक है। और इस वो ड्रग जो एसीटाइल कोलिन के एक्शन को एम रिसेप्टर ब्लॉक करते हैं उनको एंटी कोलिनर्जिक बोलते हैं। तो एंटी कोलिनर्जिक यानी एसीटाइल कोलिन के एंटी, लेकिन जो एम रिसेप्टर में एसीटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं वही एंटी कोलिनर्जिक हैं, एन वाले नहीं, इनके अलग नाम हैं, उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो एट्रोपिन एम रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, और यदि पीलोकार्पाइन की बात करूं तो पीलोकार्पाइन इन रिसेप्टर को क्या है, एक्टिवेट करती है। तो आपका आंसर क्या होगा, यानी पीलोकार्पाइन जो एक्शन करती है एट्रोपिन उस एक्शन को रोकती है, या यूँ कहें एट्रोपिन जो एक्शन को रोकती है पीलोकार्पाइन वैसा एक्शन देती है। तो मैं क्या कहूँगा, पीलोकार्पाइन क्या है, तो एंटागोनास्ट एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, यानी एट्रोपिन के इफेक्ट को एंटागोनाइज करती है, अपोज करती है एट्रोपिन, क्योंकि एट्रोपिन इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। एट्रोपिन एक तरह से मस्करनिक एंटागोनिस्ट है, जबकि पीलोकार्पाइन मस्करनिक एगोनिस्ट है। तो पीलोकार्पाइन का जैसा इसने घुमा फिरा के दिया है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा ढंग का क्वेश्चन नहीं है, एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन का जो एक्शन है उसको एंटागोनाइज करेगी, अपोज करेगी। ये आंसर ए इसका सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 में आइए। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर आपसे पूछा है कि विच इज़ द राइट रिएजेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इर्गट एल्कलॉइड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और कॉमन क्वेश्चन है कि इर्गट एल्कलॉइड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वानर्क रिएजेंट काम में लेते हैं, वानर्क। और वानर्क रिएजेंट होता है डाई मिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड। मैं इसका नाम तो नहीं लेकिन इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि आपको कोई पूछे कि वानर्क रिएजेंट का नाम बताइए, तो ये क्या है, डाई मिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड। तो देखो बेंजीन बन गई, और यदि मैं यहाँ COH लगा दूँ, सॉरी CHO, डाई मिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड ना, तो यहाँ CHO ग्रुप लगाऊँ, तो देखो बेंजीन के आगे एल्डिहाइड तो बेंजल्डिहाइड, और इसके पेरा के ऊपर ये ग्रुप लगा दूँ, यहाँ दोनों जगह मिथाइल सुनना, ये मिथाइल मानना है, मैंने लिखा नहीं। तो ये डाई मिथाइल, ये रहा एमिनो, और बाकी स्ट्रक्चर क्या है, बेंजल्डिहाइड। कई बार देखो आपको मैंने बेंजल्डिहाइड बोला है, डाई मिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड,
और कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि वानर रिएजेंट क्या है, और एक ऑप्शन दे डाई मिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड, राइट आंसर, और एक दे देगा डाई मिथाइल एमिनो बेंजोइक एसिड, और आपका दिमाग एक बार आप कंफ्यूज हो गए तो फिर आप सही नहीं कर सकते। इसलिए याद रखना डाई मिथाइल एमिनो क्या है, बेंज एल्डी हाइड ये वानक रिएजेंट, और इर्गट एल्कलोइड इसके साथ में कैसा कलर देते हैं ये भी याद कर लीजिए, ब्लू कलर जो है वो देते हैं। तो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता लेकिन उससे रिलेटेड थ्योरी में से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए हम इसको उसी ढंग से आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं, और आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सुधार कर पाए तो ये बड़ी बात हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डोपामाइन इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ, तो देखो लिवोडोपा जो ड्रग है ये पार्किंसोनिज्म में काम में लेते हैं, और ये एक प्रो ड्रग है, और ये ड्रग जो है हम जब इसको लेंगे फिर हमारे ब्लड में पहुंचेगी, ब्लड में पहुंचने के बाद में ये क्या है ब्रेन में पहुंचती है, और कोई भी ड्रग ब्लड से यदि मैं कहूँ इस साइड में आपके ब्रेन है तो ब्रेन में पहुंचेगी, तो उसको बैरियर को क्रॉस करना होता है जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो लिवोडोपा ओरल रूट से लेंगे, इंटेस्टाइन से ब्लड में पहुंची, और ये ब्लड वेसल के अंदर है, लेकिन ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल होती हैं वो स्पेशल टाइप की सेल की बनी होती हैं, और जिस टाइप की सेल की बनी होती हैं उन सेल को बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि एक तरफ ब्रेन है इमेजिन करो, दूसरी तरफ क्या है आपका ब्लड, और बीच में क्या है एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन के अंदर ब्लड है, ये सोचें ये पाइपलाइन, इसके अंदर ब्लड है, और ब्लड में ही आपकी ड्रग है लिवोडोपा, और इस वाल को क्रॉस करके ड्रग ब्रेन में पहुंचेगी, और ये जो वाल है इस ब्लड वेसल की, जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल होती हैं वो स्पेशल टाइप की सेल की बनी होती हैं, उन सेल को बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, और इन ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन सी ड्रग क्रॉस कर पाती हैं तो मैं आपको बता दूं, लिपोफिलिक लिपिड सोलेबल। तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन सी ड्रग क्रॉस कर पाती हैं, लिपोफिलिक मतलब लिपिड सोलेबल ड्रग क्रॉस कर पाती हैं, और लिवोडोपा लिपिड सोलेबल है, तो लिवोडोपा आप ओरल रूट से लेंगे ब्लड में पहुंच जाएगी, और ब्लड में से इस लेयर को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी आपके ब्रेन में पहुंचेगी, और ब्रेन में पहुंचने के बाद ये लिवोडोपा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये लिवोडोपा ब्रेन में पहुंची और बाद में कन्वर्ट हो जाएगी किस में, डोपामाइन में, और डोपामाइन का लेवल ब्रेन में बढ़ेगा तो आपकी पार्किंसोनिज्म क्या है ठीक हो जाएगी। तो ये पार्किंसोनिज्म का क्वेश्चन है, तो डोपामाइन इज ए एक्टिव फॉर्म ऑफ, तो क्या है लिवोडोपा की एक्टिव फॉर्म जो है वो होती है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 में आइए, 40 क्वेश्चन भी कोई टफ नहीं है, आसान है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, देखो रिसेप्टर जो हैं उनको फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, जो बेसिकली चार टाइप के होते हैं, और उन चार टाइप के अंदर जो सबसे रिसेप्टर कॉमन रिसेप्टर, हमारी बॉडी में रिसेप्टर चार टाइप के मुख्य तौर पर, और जो सबसे ज़्यादा रिसेप्टर होते हैं और मोस्टली रिसेप्टर जिस परिवार से बिलोंग करते हैं वो कौन सा है, जी प्रोटीन कपल्ड। और इसका मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ, और ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर का हिस्सा है, ये बाहर का, और यहाँ कोई जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, तो ये रिसेप्टर इस तरह से होते हैं, देखो रिसेप्टर यूँ होते हैं, ये ऐसे इस तरह से, तो ये जी प्रोटीन जो कपल्ड रिसेप्टर हैं, और जो रिसेप्टर वो क्या हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं याद रखना, रिसेप्टर आर प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं। तो मैंने, और प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन बने होते हैं एमिनो एसिड, तो देखो एक एमिनो एसिड दूसरे से तीसरे से, और इस तरह से एमिनो एसिड की एक चैन होती है, और ये देखो एक बार, फिर दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार, सात बार, इस तरह से इस मेम्ब्रेन को ये सात बार क्रॉस करता है, तो इसको मैं बोलूँगा कि सेवन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसमें आप कहते हैं अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स ऐसे आती है, तो ये सात बार इस मेम्ब्रेन, देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छः बार, सात बार, तो ये ड्रग यहाँ बाहर की साइड में यहाँ काम करेगी और एक्शन सेल के अंदर होगा, तो ये सेवन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर रखते हैं। मैंने दो बातें आपको इसमें बताई हैं, एक तो ये कि
जबकि रिसेप्टर जो है मोस्टली जी प्रोटीन कपल्ड होते हैं। इसको मैं यो भी बता सकता हूँ, मान लीजिए मैं कहूँ ये एक रिसेप्टर है, अब मैंने थोड़ा डायग्राम सिंपल बनाया, ये एक रिसेप्टर बीच में, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर का रिसेप्टर, और ये जो रिसेप्टर है इसमें कोई ड्रग है वो यहाँ बाइंड होती है बाहर की साइड में, और ये रिसेप्टर अंदर की तरफ किसी जी नाम के प्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ है, और जितने भी रिसेप्टर जी नाम के प्रोटीन से जुड़े हैं उन सबको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे जी प्रोटीन कपल्ड। और ये डायग्राम मैंने सिंपल बनाया है, जितने भी रिसेप्टर हैं आपको बोलना है कि रिसेप्टर किसके मॉलिक्यूल हैं, तो मैं कहूँगा दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन के बने हैं, और प्रोटीन मिलके बने होते हैं एमिनो एसिड, और ये ऐसा नहीं हो कि ऐसे ऐसे 7 बार इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, 7 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये आंसर बी हुआ। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, आगे के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाएं। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत टफ नहीं है, दे आर वेरी इजी क्वेश्चन, दे आर कॉमन क्वेश्चन, इसलिए फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या तो पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी होता है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। और आपको बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ये फिक्स है कि 100 में से 40 से 50 क्वेश्चन जो है वो तो फिक्स हैं जो रिपीट होते हैं, और एक रेगुलर टीचर पढ़ाता उसको पता रहता कि ये 40-50 क्वेश्चन इसमें से आने, और उसके बाद 20-30 क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाएंगे, 10-15 क्वेश्चन नए होते हैं, वो भी आपका यदि बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छी पढ़ाई कर रखी आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि पुराने पेपर्स को मैं डिस्कस करके आपकी एक एक चीज़ और कॉन्सेप्ट को तैयारी कराऊँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप खुद पढ़ रहे हैं और आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, तब तो आप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे और आपको लग रहा होगा हम किस लेवल से और किन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो आपको लगेगा कि मैं बकवास ही कर रहा हूँ। इसी के साथ ही आपको धन्यवाद, जय हिंद।